राजस्थान प्रदेश में रामराज वाली भजन सरकार है और भजन सरकार और उनके मंत्री भ्रष्टाचार और जीरो टॉलरेंस को लेकर नीति नए फैसलों को विधानसभा में उठाया जा रहा है। वहीं एक बार फिर से भजन सरकार के टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने भ्रष्टाचारियों को लेकर खुली चेतावनी दे दी है। वहीं राजस्थान के दक्षिणी आदिवासी अंचल में बिजली पानी और सड़क को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। वहीं जनता को विश्वास दिलाते हुए कह दिया कि रामराज की भजन सरकार में जल्द ही नई सड़कों का विस्तार होगा, तो मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के पूर्व टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया के द्वारा विभाग में किए गए भ्रष्टाचारों की शिकायतों पर कड़ा रुख भी अपनाते हुए जल्द ही भ्रष्टाचार की जांच करवाने का फरमान सुना दिया। वहीं नवतेज टीवी पर खास बातचीत करते हुए बाबूलाल खराड़ी ने रामराज की भजन सरकार में टीएडी विभाग में नवाचार करते हुए अब पूरे प्रदेश के सभी हॉस्टल्स को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के साथ हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। आइए आपको सुनाते हैं टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये विभाग बड़े लंबे समय से यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार के काम होने चाहिए, जिस प्रकार का उनका विकास होना चाहिए, वो हो नहीं पाया है। मेरे आने के बाद में हमने तय किया कि हमारे कोचिंग चलते हैं जो बच्चों के लिए अनुवृत्त योजना में भी चलते हैं, हम RSIS और इनके IPS इनके भी कोचिंग कराते हैं। हमारे यहाँ एक भी IAS और IPS निकला नहीं, तो मैंने विभाग को कहा कि क्यों नहीं निकला। तो अब हमने प्रयास किया है एक अच्छी संस्थानों से हो करके और IAS और IPS हम बनाए, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं, उनकी कोचिंग अभी शुरू हो जाए। और उसी के साथ में हमारे हॉस्टल हैं जो बालिका हॉस्टल हैं, उनमें सब में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले हमारा सप्लीमेंट्री बजट था उसमें उन्होंने घोषणा भी की थी कि सभी बालिकाओं के हॉस्टलों में CCTV कैमरे लगाएंगे। मेरी उससे पहले मेरी मंशा थी कि हम CCTV कैमरे बालिकाओं के लगाएं और जो बालक है वहाँ पर गोदाम पे हम CCTV कैमरे लगाएं, ताकि हमें जो खाद्य सामग्री आती है वो कितनी आती है और कहाँ जाती है ये हमको पता लगेगा, तो उसकी मॉनिटरिंग लेकर कर रहे हैं। अब हमने तय किया है कि बालक में भी हम CCTV कैमरे लगाएंगे, गोदाम में लगाएं, बालिकाओं को तो लगना ही है। उसके साथ साथ हमने इसरो से हमारे जो कृषि यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है उनके साथ में और कुछ ऐसे प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं IT सेल के, उनसे हमने बातचीत करके जो अच्छे लड़के क्रीम लड़के हैं जो उनके वहाँ पर हम यात्रा भी कराएंगे और उनके संवाद भी कराएंगे ताकि उनके एक रुचि बढ़े। बिल्कुल, ये बात कल वहाँ पर भी आई थी और इससे पहले भी हमारे पास ये बात आई थी। एक प्रार्थना सभा का एक नॉर्म से बना हुआ सरकार की गाइडलाइन है, उसके अनुसार प्रार्थना होती है। अगर किसी ने गलत हटकर अलग हटकर के इस प्रकार की प्रार्थना कराते हैं तो गलत है। और कल मैंने ये निर्देश दिए हैं कि भाई इस प्रकार का कोई करता है, अगर गाइडलाइन से अक्सर कुछ नया करता है तो वो नियम में दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, ऐसा मैंने निर्देशों को दिया है। क्योंकि हम लोग सरकार में आने के बाद में एंटी गैंगस्टर फोर्स गठित किए और जितने भी गुंडागर्दी करने वाले लोग थे ये गैंगे खड़ी हुई थी, इनकी कमर तोड़ने का काम हमने किया है। और वहाँ पर भी ये संगठित अपराध है, ये लोग अपने ग्रुप बना करके और फिर इस प्रकार से अपराध करते हैं। मैंने कल निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर पत्थरबाज नहीं होना चाहिए, आमजन में विश्वास होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। तो SP को और इनको सबको मैंने कहा इसको कैसे रोकेंगे, तो उन्होंने एक फोर्स का गठन भी किया है और गठन करके और उसको मॉनिटरिंग करके जहाँ भी हो रहा है उनको पकड़ करके उनको जेल में डालने का काम करेंगे, ताकि कम से कम भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो। देखिए, धर्मांतरण आदिवासी क्षेत्र में लंबे समय से हो रहा है, उन करीब भले भले लोगों को लड़कों लोगों को प्रलोभन दे करके शिक्षा के नाम से चिकित्सा के नाम से जाते हैं और प्रलोभन दे करके उनका धर्मांतरण होता है। किसी भी के धर्म को माने ये हम नहीं कहते कौन किसको मानेगा, लेकिन अपनी अपनी इच्छा में अपनी मर्जी जिसको माने उसको माने, लेकिन जिस प्रकार से धर्मांतरण हो करके व्यक्ति एक अलग प्रकार से होता है। और हमारे जनजाति समाज में सरकार हमको आरक्षण देती है, अब जब धर्मांतरित हुआ तो उसने अपना धर्म बदल दिया, वो दूसरे धर्म में चला गया, तो वो अगर ईसाई बनता है तो फिर उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो फिर दो प्रकार के लाभ, उधर से भी लाभ लेता है इधर से लेता है, क्योंकि वो फिर आदिवासी रहा नहीं रहा तो उसको लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो इस पर विचार किया जा सकता है।
सर एक बहुत बड़ा बिल आ रहा है सर, उसके लिए क्या कहेंगे? अभी इसकी जानकारी मुझे नहीं उस तरह, क्योंकि नया कैबिनेट में आया है ना, ऐसी कोई चर्चा हुई। देखिए सड़कों को लेकर के तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना बना करके और नियम बना करके 1100 की आबादी पहले 1000 की, 750 की, 500 की, 250 की आबादी तक के गांवों को जोड़ने का काम किया। अब रहा सवाल के लंबे समय से रिन्यूअल नहीं हुए हैं, ऐसी सड़कें हैं जो टूट फूट है, उनको हम प्राथमिकता के आधार पर ले करके, क्योंकि बजट में भी इस प्रकार के घोषणा हुई है, तो उनको ले करके जो सड़कें बिल्कुल क्षतिग्रस्त हैं उनको हम ठीक कराएंगे। बिजली को लेकर के हम लोगों का ये है कि भाई अब तक तो कांग्रेस के खोदे हुए खड्डे उनको हम भर रहे हैं, क्योंकि बिजली का इतना घाटा था वो घाटा हम अभी भरपाई कर रहे हैं, और बिजली की सीजत को रोक करके बिजली को ठीक करके और लोगों को ठीक प्रकार से बिजली मिले ऐसा कर रहे हैं। हम सौर ऊर्जा के मार्फत से हम ये सोच हमने तय किया है कि जितने भी सरकारी विभाग हैं उन विभागों में हम सोलर प्लांट लगाएं, ताकि कम से कम जो बिजली बचत होगी वो गाँवों को हम दे दें। तो ऐसा हमने सोचा, क्योंकि सारे डिपार्टमेंटों से हमने वो डेटा भी मंगा लिया है, उसको भी हम दे करके, और उसको आप मानेंगे कि साल डेढ़ साल में हम बिजली को सरप्लस करेंगे और हम 24 घंटे बिजली देने की स्थिति में हम रहेंगे। सर पिछली सरकार में TAD, आखिरी सवाल करूंगा, पिछली सरकार में TAD मंत्री रहे अर्जुन सिंह बामनिया ने आपके विभाग में करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। सर भ्रष्टाचारियों को लेकर के किस तरीके से आप उनकी कमर तोड़ेंगे, किस प्रकार का आपका स्टैंड रहेगा? भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर हुआ हो वो ठीक नहीं है, उसको रोकना हमारी जिम्मेदारी है। मैंने सारी जांच रिपोर्टें मंगाई है, एक बार आने के बाद में अगर किसी ने भी इतना बड़ा अपराध किया, घोटाला किया है, तो हम निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ ये लिफ्ट योजना लगी थी, उनके पार्ट्स कटिया खरीदे गए थे, और भी कई प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायतें हमको मिली है, उसकी जाँच हम कराएंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। सर TADA विभाग के बजट को भी ट्रांसफ़र किया गया, मतलब वो जो बजट जहाँ विभाग में उपयोग होना चाहिए था वहाँ उपयोग नहीं हो करके अन्यत्र विभाग में उसको ले जा करके किया है, तो ऐसी भी कई चीज़ें आपके सामने आई है। देखिए विभाग के नाम से हैं, हमारे विभाग को आबादी के परसेंट के हिसाब से पैसा जाता है, वो डिप्टी विभाग को जाता है। कुछ पैसा जो हमारे पास रहता है, जो हमारे जनप्रतिनिधियों हमारी जनता के डिमांड के अनुसार हम वो सेंचुरी जारी करते हैं, उसमें चिकित्सा के क्षेत्र में भी है, शिक्षा के क्षेत्र में भी है, अन्य अन्य क्षेत्रों में है, तो वो उस पर कर अलग से बना हुआ सारा नॉम्स, उस हिसाब से पैसा आता है, हम उनको उसी हिसाब से बांटने का काम करते हैं। अगर उस पैसे को नियम विरुद्ध कहीं ट्रांसफ़र किया है तो उनको हम निकलवाएंगे, और अगर नियम विरुद्ध किसी अधिकारी ने भी निकाल करके उनको दिया और वहाँ कहीं खर्च हुआ है तो वो गलत है।